देखिए दोस्तों, ये एक LG का LED सेट है जो हमारे पास आया हुआ है रिपेयर के लिए। देखिए इसमें यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इधर से भी बीच में से हल्का हल्का इस हिस्से में रोशनी दिखाई दे रही है। देखो हल्की हल्की यहाँ पर पिक्चर है, बाकी इसमें हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा। देखो अभी हम इस पर वर्क करने वाले हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बैक लाइट्स की कोई प्रॉब्लम है। इसके लिए हमको पैन खोलना पड़ेगा, देखते हैं पैन खोल के इसमें क्या प्रॉब्लम निकलता है और आपसे वीडियो शेयर करते हैं। इसका एक बार मॉडल नंबर और दिखा देते हैं आपको। ये रहा इसका मॉडल नंबर 32LF550A। ये 32 इंच का मॉडल है, इस पर हम वर्क करने वाले पैन खोलते हैं और आपसे वीडियो नेक्स्ट का जो पार्ट है हम ये भी शेयर करने वाले हैं। तो देखिए तो दोस्तों हमने LED को पैन को ओपन कर लिया। देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का सीन है। देखिए ये यहाँ पर जो LED बैकलाइट्स हैं ऐसे बर्न हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल बर्न हो चुका है बिल्कुल, देखो यहाँ से। और जो रिफ्लेक्टर होते हैं LED के बैकलाइट्स के, देखो सभी रिमूव हो चुके हैं, ये ओवरहीटिंग की वजह से है। और इसमें जो पिक्चर हमको देखने को नहीं मिल रहा था, जो बीच में हल्का सा पिक्चर दिख रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि आपको एक बार दिखा देते इसको ऑन करके। देखिए दोस्तों इसमें सभी LED है जो बैक लाइट्स की वो बंद है, सिर्फ दो LED वर्क कर रही है, वो भी कुछ अजीब सा कलर है। देखो ब्लू कलर आपको दिख रहा हो पिक्चर में, देखो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हल्का हल्का, ये कलर भी इनका चेंज हो चुका है, ब्लू कलर हमको दिखाई दे रहा है। देखो तो इसमें हम ये क्लियर है ये बैक लाइट्स की ही प्रॉब्लम है, बर्न होने की वजह से भी ये बैक लाइट्स बंद हो चुकी है। उसके बाद हमारा इन्वर्टर बोर्ड चेक होगा, वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। हमारे हिसाब से तो वर्क करना होगा, वो ठीक हो सकता है, इन्वर्टर बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम इसको बैक लाइट्स को चेंज करते हैं और आपसे नेक्स्ट का पार्ट वीडियो का जो अभी शेयर करते हैं। तो दोस्तों हमने बैक लाइट्स को अच्छे से एडजस्ट कर दिया। देखिए एक बार आपको कुछ बता देते हैं, इसमें हमने जो बैक लाइट लगाया है, ये देखिए ये बैक लाइट्स हमने लगाया है, पहले था जो इस तरह का उसमें रिफ्लेक्टर लगे हुए, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पहले का रिफ्लेक्टर है, ये अभी डालने वाला है जो इसका रिफ्लेक्टर है। ये भी 6.5 वोल्ट का कंजप्शन करता है एक बल्ब। ये LED है, ये भी 6.5 वोल्ट का है, इसमें 6 बल्ब लगे होते हैं, लगभग 40 वोल्ट का कंजप्शन होता है एक LED का। और जैसे कि ये पहले हम डालते हैं, जैसे ये LED है जो लोकल है, ये भी 6.5 वोल्ट में आता है, लेकिन हम ये नहीं डाल सकते क्योंकि ये देखो आपके ऐसे दिख रहा होगा, ये बिल्कुल स्लिम मॉडल है, इसमें पैनल LED बैकलाइट्स के बिल्कुल नज़दीक होता है। यदि हम लोकल डालेंगे तो इसमें जो बैकलाइट्स हैं वो बिल्कुल पैनल के अंदर हमको शो करेंगे, इसलिए हम ये लोकल LED बल्ब नहीं डाल सकते। ये देखो तो इसको जो बोलते हैं ये डायमंड LED बैकलाइट्स बोलते हैं, इसको डायमंड बल्ब बोलते हैं। ये सेम वोल्टेज कंजप्शन करता है, 6.5 वोल्ट का ये है, 6.5 वोल्ट का ये है, थोड़ा सा रिफ्लेक्टर का फ़र्क है, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, रिफ्लेक्टर का सिर्फ खास फ़र्क नहीं है, देखने में सेम रोशनी है। अभी हमने इसको देखो कनेक्शन हमने अच्छे से तक कर दिया है, अभी इसको थोड़ा सा आपके आपको चला के दिखा देते हैं। इसके जो बैकलाइट्स है सीधा ऊपर नहीं आता, इसका बैकलाइट्स की जो रोशनी है नीचे ही रह जाता है, वो पैनल में टच नहीं करता, इसलिए हमको बैकलाइट्स की जो रोशनी है पैनल के अंदर शो नहीं करती। तो अभी हम इसको थोड़ा सा चला के दिखाते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए हम इसको पावर कनेक्ट कर दिया है, अभी इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको ये किस तरह दिखता है और कितना ये कंजप्शन कर रहा है, मीटर से आपको चेक करवा के दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का इसका रोशनी है। देखिए इसका जो रोशनी है ऊपर की बजाय बिल्कुल नीचे पड़ रहा है, देखिए और कितना लोड ले रहा है, ये देखिए आपको अभी दिखा देते हैं मीटर में। तो दोस्तों देखिए एक जो LED बैकलाइट्स की स्ट्रिप्स है वो लगभग ये 37 से 38 वोल्ट लोड ले रही है, और जो कुल लोड है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखो दोस्तों तीनों बैकलाइट्स का जो लोड है 113 वोल्ट के करीब है, लगभग जैसे मैंने बताया था ये लगभग 40 वोल्ट के आसपास का कनेक्शन करती है, लोड लेती है, 6.5 वोल्ट का एक बल्ब है और 6 बल्ब एक स्ट्रिप्स में लगे हुए हैं। तो आपको इसके बाद देखो हम पेपर को
पेपर को एडजस्ट करके इसको एक बार फिर दोबारा से फिर चला के दिखाएंगे। ये अभी लॉक्स जो निकाले थे हमने वही सेम एडजस्ट करने हैं। और एक और बात, जैसे कि हमने इसको सेट किया है वो कोई स्क्रू नहीं लगाया, जैसे पहले नहीं लगा था उसमें डबल टेप लगा हुआ था, तो हमने सेम ये देखो इस तरह की डबल टेप आती है बिल्कुल सेम उसी तरह से सेम साइज होने से सेम लग गया है। इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा हुआ था ना ही हमें को लगाने की जरूरत पड़ा है। देखो जो स्ट्रिप्स का साइज है, बल्ब का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस जितना है बिल्कुल सेम है, टोटली कोई डिफरेंस नहीं था। डबल टेप से हमने अच्छे से चिपका दिए हैं। अभी इसको लॉक से अच्छे से लगा के आपको फिर एक बार दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेपर नीचे लगाने के बाद कुछ इस तरह बैकलाइट्स हमको दिख रही हैं। पैनल के बीच में जो पेपर होता है उस पर कुछ इस तरह की रोशनी देखो दिखाई दे रही है। इसमें कहीं पर भी रिफ्लेक्टर की जो रोशनी है वो नज़र नहीं आ रही। देखो बीच में कहीं पर भी बैकलाइट्स का जो निशान है, जो बैकलाइट्स के धब्बे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल प्लेन है। देखो और अभी पैनल को रखते हैं, उसकी आपको क्वालिटी चेक कराते हैं कैसी बनती है। देखो दोस्तों, हमने पैनल को एडजस्ट कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है हमने पैनल को। अभी इसके बाद हम आपको ऑन करके दिखाते हैं इसको कैसी क्वालिटी इसका अभी देखने में लग रहा है। देखो कुछ इस तरह क्वालिटी बना है, मतलब दिखने में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी बना है। देखिए अभी इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं है। अभी इसको वीडियो सिग्नल आपको दे के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमें वीडियो दे दिया, देखो कैसी क्वालिटी बनी, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी बनी है। अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा दोस्तों कि इसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम हमको शो कर रहा था, जैसे कि इसमें कोई पैनल की प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। पैनल की प्रॉब्लम नहीं थी, वो बैकलाइट्स की प्रॉब्लम थी। हमने इस पर अच्छे से वर्क करके आपको टोटल आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो दोस्तों देखो, इसमें अब किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा LED बिल्कुल ओके हो चुका है। हम वर्क करते समय, जैसे कि हम को फाल निकालते उसके साथ में वीडियो बनाते हैं, इसमें हमारा आधा घंटा से पौना घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको भी कुछ सीखने को मिले। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क करते हैं तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखें, इस तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।